हेलो बच्चों, चलिए करते हैं आज संख्या पद्धति की हम क्लास नंबर 2 है ये। इसमें हम पूरे 20 सवाल करेंगे और ये 20 सवाल वो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। पहला है आपका कि 1 + 2 + 3 + 4 + 20 तक इनको जोड़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा, इस पूरी सीरीज का योगफल क्या होगा। तो ये हमारी सभी की सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का योगफल क्या होता है, योगफल होता है हमारा कुल पदों का योगफल। जब भी आपको ऐसे सीरीज दी जाए 1 2 3 4 में, तो आपको क्या करना है, जो आखिरी का नंबर है आपका ये जो 20 है, 20 की और गुणा इससे एक ज्यादा, 20 के एक ज्यादा 21 की गुणा करके 2 से भाग कर दीजिएगा। काट दो, 2 एकम 2, 2 दशम 20, 21 टेंजा गुणा करेंगे 210। तो यहाँ पे कुल इसका जो सम है वो आपका 210 हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। यहाँ पे इनमें 80 तक के कुल पदों का योगफल पूछना है कि कुल पदों का योगफल क्या है। अब संख्या है हमारी लास्ट की क्या है, 80 है और 1 से शुरू हुई है, 1 से शुरू हुई है और 80 तक की संख्याएं हैं। तो यहाँ पे कुल पदों का योगफल आपको बताना है। तो कुल पदों का योगफल उसी की तरह आपका हो जाएगा, आखिरी का पद क्या है 80 और गुणा में इससे एक ज्यादा है, ये 80 है, 80 है, 80 से एक ज्यादा हो गया 81 और भाग कर दो 2 से करेंगे तो कितना हो गया 40। 81 और 40 की गुणा कर लो, यहाँ पे 81 और 40 की गुणा करेंगे हम लोग, 4 एकम 4, 4 8 32, कितना हो गया 3240। आपका सही उत्तर जाएगा 3240, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। 1 से 24 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इसने इसको भाषा में बदल दिया, अब प्लस का निशान नहीं दिया, पर इसका भी मतलब वही है। 1 से 24 तक का हुआ 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे करते करते 24 तक का कुल योगफल हमें बताना है। तो इसको जोड़ेंगे हम, तो तरीका क्या है, वही आखिरी संख्या लोग लिखोगे और इससे एक ज्यादा 24 से एक ज्यादा 25 और इसको 2 से भाग कर दोगे तो ये कुल योगफल आ जाएगा। 2 से भाग करोगे 12, तो 12 × 25, 25 और 12 की आप गुणा कर लोगे, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 1 × 5 = 5 और 1 × 2 = 2, कितना हो गया 0, 5 × 5 = 10, 2 × 1 = 3, कितना हो गया बच्चों 300। तो इसका जो है 1 से 24 तक की सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा आपका 300। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। 1 से 72 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग बताइए कितना होगा। 1 से 72, तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते आप 72 तक लिखिए संख्याओं को और अब इनका योग निकालना। तो योग निकालने के लिए आखिरी संख्या 72 और गुणा इससे एक ज्यादा, ये 72 72 है तो इससे एक ज्यादा 73 और भाग कर दीजिए 2 से, 2 से भाग करेंगे 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12, कितना हो गया 36 × 73, 36 और 73 की गुणा करेंगे 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 7 × 6 = 42, 8 × 2 = 4, 7 × 3 = 21 और 4 = 25, जोड़ देंगे 8 2 6 2, 2628, 2628 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है आपकी 1 से 72 तक की, ये तो हो गया, तो सेम इस वाले प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 5 है, अब देखिए यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा बदल दिया है। पहले क्या था हमारा सवाल, 1 से शुरू होता था और आखिरी तक की संख्या से, लेकिन अब सवाल में कहा है 21 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 21 + 22 + 23 + 24 और ऐसे करते करते कहाँ तक, 75 तक की संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो बच्चों जब आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो उसको थोड़ा सा हमें उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा ये देख लीजिए, पहले हमें यहाँ पर ये निकालना होगा कि ये कुल कितने पद हैं, ये कुल कितने पद हैं, क्योंकि हमारा सूत्र होता है योगफल। तो कुल पद कितने होंगे, कुल पदों को n मान लीजिए। तो कुल पद निकालने का सूत्र होता है बच्चों कि आखिरी संख्या, ठीक है, आखिरी संख्या, ये सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, माइनस पहली संख्या, पहली संख्या और प्लस 1, ये हमारे पास कुल पद आ जाएंगे कि 21 से लेकर 75 तक टोटल संख्याएं हैं कितनी। आखिरी संख्या 75 और पहली संख्या 21 और प्लस में 1, माइनस कर दो, 5 में से 1 गया 4 और
सात में से दो गए पांच, 54 + 1 बराबर कितना हो गया 55। तो कुल जो हमारे पास पद हैं 1, 2, 3 ऐसे गिनेंगे तो कुल हमारे पास 55 पद हैं। पहले आपको पदों की संख्या निकालनी है इस सूत्र से, फिर आपको निकालना है योग। और योग निकालने का सूत्र होता है, जब हम इसका योग निकालेंगे बच्चों, तो योग कैसे निकालेंगे, योग बराबर होता है हमारे पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, 21 × 75 ठीक है, और उसको भाग देंगे 2 से, और गुणा कुल पदों की संख्या कितनी है, कितने पद हैं 55, तो गुणा में आप यहाँ पे 55 आपको करना होगा। 5 और 1 6 और 7 और 2 9 96 गुणा 55 और बटे में 2, 2 से 96 को काट दीजिए, 2 4 8 2 8 16 48 बार कटा, 48 × 55 55 और 48 की गुणा कर लेंगे, 5 8 40 5 2 20 4 24 ऐसे ही 5 8 40 और 5 2 20 4 24 जोड़ देंगे 0 4 4 2 6 2 तो 2640 आपका उत्तर आ जाएगा, 2640 ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, और जब पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी तो सूत्र लगाएंगे योग बराबर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2 और गुणा में 55। इस तरीके से आप हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। 42 से 98 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यह भी इसी तरीके से करना है सवाल, चलिए इसको भी ध्यान समझिए। 42 से 98 तक बताना है, 42 + 43 + 44 और + ऐसे करते करते कहां तक, 98 तक की संख्याओं का हमें योग बताना है। तो पहले कुल पता करो कि कुल संख्या कितनी है, कुल संख्याएं कितनी है, यानी कि इसको हम एन बोलते हैं। तो कुल संख्या हमारे, मैंने क्या बताया, अंतिम संख्या - प्रथम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और प्लस में 1। अंतिम कितनी आपकी 98, पहली संख्या कितनी है 42 और इसमें प्लस 1 कर दीजिए, माइनस करेंगे 8 में से 2 गया 6 9 में से 4 गए 5 56 + 1 बराबर कितना हो गया बच्चों आपका 57। ये हमारे कुल पदों की संख्या होगी। अब बात करते हैं योग की, तो जब बच्चों हम योग निकालते हैं तो योग निकालने के लिए सूत्र हमारा होता है प्रथम संख्या जो कि 42 है प्लस अंतिम संख्या जो कि 98 है और इसको भाग करते हैं 2 से और गुणा कुल पदों की संख्या कितना है 57, तो 57 से इसमें गुणा करेंगे, हल कर लेंगे 8 2 10 9 4 13 और 1 14 140/2 गुणा में 57, 2 से 140 कटेगा 2 7 14 0 ये कितना हो गया 70 गुणा में 57, 70 और 57 की गुणा कर लेंगे कितना मिलेगा, चलिए देख लेते हैं गुणा करके, 57 और 70 की गुणा 0 0 7 7 49 7 5 35 और 4 39 0 9 9 3 तो 3990 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 3990 आ जाएगा जो कि आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, 50 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो सेम सवाल है बच्चों, मैंने यहाँ पे रिपीट इसलिए किए हैं सवाल ताकि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ जाए। 50 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है आपको क्या होगा, तो 50 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखेंगे 50 + 51 + 52 और प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक 100 तक। तो पहले आप लगाइए पता कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं हमारी हैं कितनी, कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या यानी कि 100 माइनस में 50 करिएगा और प्लस में 1 कर दीजिए, कितना आ गया 100 में से 50 घटाए कितना हो गया 50 और प्लस 1 बराबर 51। कुल संख्या हमारी 51 हो गई। अब हम बात करते हैं योग की, ध्यान से बच्चों उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। योग निकालते हैं तो प्रथम संख्या जो भी आपकी है 50, उसमें प्लस करना है आपको अंतिम संख्या को 2 को और उसको 2 से भाग कर देंगे और गुणा में जो हमारे पदों की संख्या है जो कि 51 है, तो 100 और 50 कितना हो गया बच्चों 150/2 और गुणा में 51, 2 से 150 को काटेंगे 75 बार कट जाएगा, कितना होगा 75 × 51 75 और 51 की गुणा कर लेंगे, 75 51 की गुणा करेंगे कितना आएगा 1 5 5 1 7 7 5 5 25 5 6 35 और 36 37 5 7 5 12 7 1 8 3 3825 3825 आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8।
28 से 45 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। 28 से 45 तक की, तो पहली संख्या 28, 29, 30 और ऐसे करते करते कहाँ तक लिखिएगा, 45 तक लिखिएगा। अब यहाँ पे बच्चों आपकी हमें निकालने कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्या है जो कि आपका एन होता है, और ये कितना दिया गया, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, भाग कर दीजिए दो से और प्लस में इसको वन रखिएगा। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, और क्या रहेगा इसका, तो इसको माइनस करेंगे, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 17 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 18। ओके, अब हमें यहाँ पे निकालना है योग, तो योग बराबर कितना होगा बच्चों, योग बराबर होगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, 28 प्लस 45 बटे 2 और गुणा में 18 कर देंगे, दो निम कितना हो गया 18, जोड़ देंगे 8 5 13, 4 2 6 और 1 7, 73 गुणा 9, गुणा कर 9 3 27, 9 7 63 और 64 65, 657 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगला प्रश्न करेंगे, 250 से 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, 250 से लेकर कहां तक 500 तक, 250 प्लस 251 प्लस 252 और ऐसे करते करते ये संख्या चलेगी 500 तक, और हमें इनका योग बताना है क्या होगा। तो पहले आपको निकालनी है कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी होंगी बच्चों, ध्यान से देखिए, कुल संख्या है आपकी क्या करते हैं हम लोग, अंतिम पद में से पहले पद को माइनस करना है और एक उसमें जोड़ देना है, तो कितना होगा, 500 में से 250 माइनस करेंगे तो 250 आएगा और प्लस 1 जो कि आपका 251 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इनका योग ज्ञात कीजिए, तब योग बराबर क्या करते हैं बच्चों, योग बराबर हम पहली संख्या जो कि 250 है प्लस अंतिम संख्या 500 और बटे में कितना 2 और गुणा में 251 जो कि हमारा कुल पदों का योगफल आया था। हल करेंगे 250 और 500 कितना हो गया बच्चों, 750 इंटू में 251 और भाग 2 से, 2 से 250, 750 को काट देंगे, 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, 375 गुणा 251, 375 और 251 की हम गुणा करेंगे तो 375 गुणा 251 की गुणा करने पर मिलेगा हमें 94125। आप यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा, सेम आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि 500 से 1000 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 500 से 1000 तक की, तो पहली संख्या हमारी 500 हो गई, दूसरी 501 और तीसरी संख्या 502 और फिर ऐसे ऐसे करते करते ये आपकी 1000 तक की संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है कि योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले बच्चों कुल संख्याएं निकालेंगे, कुल संख्याएं कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या जो अंतिम होती है आपकी 1000 में से प्रथम संख्या को माइनस और प्लस में एक कर देना है, 1000 में से 500 गए, 500 प्लस एक कितना हो गया बच्चों, 501 हो गया। फिर हम निकालते हैं योग, योग निकालने के लिए आपको क्या करना होता है बच्चों कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या मीन्स 500 और प्लस 1000, ठीक है, क्योंकि पहली संख्या ये है और अंतिम संख्या ये है, 500 प्लस 1000 भाग 2 और गुणा में कितना करेंगे बच्चों, 501 जो हमारी संख्या आए है पदों का योग, तो कितना हो गया 1500 और गुणा 501 और भाग किससे करेंगे 2 से, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 750, 750 और गुणा 501, 750 में 501 की गुणा करेंगे, 750 में 501 की गुणा करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पे कितना, 375,705, 375,750 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, 2 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, आपको ये बताना है 2 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो बच्चों जब हमारी लगातार सम संख्या होती है, जैसे पहली संख्या 2 हो गई, दूसरी संख्या 4, तीसरी 6 और ऐसे करते करते कहाँ तक, आपको 50 तक जोड़ना है, तो अगर लगातार हमारी सम संख्याएं हैं तो लगातार सम संख्याओं का योगफल होता है हमारा कितना, ध्यान दीजिए, लगातार सम संख्याओं का योगफल हमारा रहेगा n बटे 2 गुणा में n बटे 2
गुणा में आप करोगे एन बटे दो प्लस एक, ठीक है। अगर आपकी लगातार प्राकृतिक संख्या है, अब एन क्या है, एन आपका जो है आखिरी की संख्या होगी, जहां तक हमें सम ज्ञात करना वही हमारा एन होता है। तो ये संख्या हमारी हो गई एन, बस आपको यहाँ पे मान रख देना है एन कितना है, 50/2 गुणा में 50/2 प्लस एक। 50 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा बच्चों, 25, तो 25 और गुणा इसको भाग करेंगे तो 25 और 25 में एक जुड़ जाएगा जो कि आपका 26 हो जाएगा। 25 और 26 की हम गुणा कर लेंगे, 25 और 26 की गुणा करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें कितना, 650। कितना आंसर मिलेगा, 650। यहाँ पे ऑप्शन में आपको 650 नहीं दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कितना होगा, 650 इज राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 2 से लेकर 108 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 से लेकर पहली संख्या 2, 4, 6, ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक जाना है, 108 तक। और ये सारी सारी क्या है, सम संख्याएं। तो मैंने बताया बच्चों जब आप सम संख्या निकालोगे तो सम संख्या बराबर आपको लिखना है एन बटे दो गुणा एन बटे दो प्लस वन। एन क्या होता है, एन आपका आखिरी का पद होता है, लास्ट का। तो ये आपका 108/2 गुणा में 108/2 प्लस वन करेंगे। 108 को 2 से भाग करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 54। ऐसी 2 से 108 को काटेंगे भी 54, और प्लस में यहाँ पे 1 भी है, 54 और 1 कितना हो गया, 55। तो 54 गुणा 55 आप लोग यहाँ पे कर देंगे, और 54 और 55 की गुणा करोगे तो 54 और 55 की गुणा आपको मिल जाएगी 2970। 2970 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 28 से 180 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए क्या होगा। देखिए ये सवाल थोड़ा अलग है, वहां पे अभी तक क्या हो रहा था, हमारी सम संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही थी, 2 से, लेकिन अब 2 से नहीं है, अब ये 28 से शुरू हो रही है। 28 + 30 + 32 और प्लस डैश 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 कर 180 तक जा रही है। अब हमें यहाँ पे कुल सबसे सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है कि सभी सम संख्याओं का योगफल यहाँ पे क्या होगा। तो ऐसे में करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, देखिए अगर आप मान लीजिए पहले यहाँ तक निकाल लीजिए, ये आपका 28 से लेकर 280 तक है। अगर मैं पहले यहाँ से 2 फिर यहाँ पे 4 फिर यहाँ पे 6 करूँ और ऐसे करके 180 तक की संख्याएं का योगफल निकाल लेता हूँ, और इनसे 180 तक की संख्याओं के योगफल में से मैं 2 से लेकर 2 4 6 8 और ऐसे करते करते 27, इससे पहली सम संख्या बैठेगी 26, और 26 तक की संख्याओं का योगफल को माइनस कर देता हूं तो बचा हुआ मेरा क्या होगा, 28 से 30 तक का होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले 2 से लेकर 180 तक की सभी संख्याओं का योगफल निकालूंगा, और उसका योगफल क्या होता है अभी मैंने बताया आपको कि आखिरी संख्या यानी कि एन बटे दो, 180 को 2 से भाग कर दीजिए, और फिर गुणा में आपको क्या करना है, 180 को 2 से भाग करना है और प्लस में 1 कर देना। तो ये तो यहाँ से लेकर पूरा 2 से लेकर लगातार संख्याओं का योगफल आ गया 180 तक, और इसमें से आप माइनस क्या करोगे, इसमें से करोगे 2 से लेकर 26 तक की संख्याओं का माइनस करोगे। अब 2 से 26 तक की संख्याओं का माइनस करोगे तो यहाँ पे लास्ट संख्या कितनी आपकी, 26 है बच्चों। इसको लिखोगे 26/2 और 26/2 प्लस 1, 180 को 2 से भाग करोगे 90 गुणा 2 से 90 प्लस 1 91, ऐसी माइनस 2 से 26 कटेगा 13 बार, 13 और गुणा 2 से 26 कटेगा 13 बार, और यहाँ से भी आपका 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे 90 और 91 क्या आप लोग गुणा कर लोगे, 90 × 91, यहाँ पे 90 और 91 गुणा होगा 8190 माइनस 13 × 14, 13 × 14, 13 और 14 की गुणा करोगे जो कि आपको 182 मिल जाएगा। अब बस आपको 8190 में से 182 को माइनस कर लेना है, ठीक है। 8190 में से 182 को माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8008, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो, और मैं अगले क्वेश्चन में आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ कि दूसरे तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे इसने कहा 8 से लेकर 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए क्या करना। देखो 8, 10, 12 ऐसे करते करते आपको 200 तक जाना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो आपको पहले यहाँ पे पता करना होगा कि कुल संख्याएं कितनी है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो सवाल, जो पहले पहला क्वेश्चन बताया मैंने 13 वो भी सही है तरीका,
और ये भी सही है। तो कुल संख्या ज्ञात कर लो, कुल संख्या क्या होगी, अगर हमारी सम संख्या है और सम संख्या के लिए हमें कुल संख्या निकालनी है तो हमें लिखना होगा यहाँ पे अंतिम पद, अंतिम माइनस प्रथम, और इसको बटे में हमें दो करना है, बटे में क्या करना है दो, और फिर प्लस में वन करना है। इस तरीके से हमारी जो है वो संख्या निकल के आ जाएगी। अंतिम संख्या यहाँ पे कितनी है बच्चों, 200 है, प्रथम संख्या 8 है, बटे में दो और प्लस में वन, 200 में से 8 माइनस करेंगे 192 हो जाएगा, बटे में दो और प्लस में वन, दो नीम 18, दो छिक 12, 96 और 197, तो कुल संख्या हो जाएंगी हमारी कितनी 97, 97 कुल संख्या होगी। अब फिर योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल के लिए आपको वही फंडा लगाना है जो हम लोग पहले लगाते थे। क्या करते थे योगफल के लिए हम बच्चों, अंतिम संख्या और प्रारंभिक संख्या, अंतिम संख्या कितनी है 200, प्रारंभिक संख्या कितनी बच्चों आपको, अंतिम संख्या 200 है, प्रारंभिक संख्या है 8, बटे में 2 और गुणा में कितना 97, क्योंकि ये संख्या 200 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा, नहीं 200 प्लस 8 सॉरी 200 प्लस 8 जोड़ेंगे यहाँ पे और गुणा में 97 बटे में 2, 2 से काट देंगे 104, 104 और 97 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 104 गुणा 97 जब हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10,088, ठीक है बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15। 112 से 240 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, इसको आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रथम संख्या 16 जो है 159 तक की विषम संख्या है। देखो जब आपकी लगातार विषम संख्या देख रखें, 1+2, 1+3, +5, +7 और ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, ये 59 तक। इन सभी संख्याओं का विषम संख्या आपको निकालना है, तो आपको बस पता करना है कि पहले कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या हम कैसे पता करेंगे भाई कितनी है, कुल संख्या पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या और बटे में उसको दो और प्लस में वन। 59 में से गया कितना बचा, 68 बटे 2 प्लस 1, तो 6 2 चौका 8 34 और 1 35, तो कुल संख्या कितनी हो गई बच्चों, ये 35 हो गई। और जब विषम संख्याओं की बारी आती है तो बस हमें पता चल जाएगी कुल संख्या कितनी है, तब उनका योग जो होता है, जो भी हमारी संख्या जितने भी पद है कितने 35 है, तो बस उसी की संख्या में उसी में गुणा कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या है ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 से लेकर 71 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। 23 से लेकर 71 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसको बच्चों में ऐसे ही कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 71 तक की सभी संख्याओं का पता करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे और उसको इसमें से घटा देंगे, तभी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह के सवाल हैं, इनका जो सोल्व करके आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो है कितना आंसर आया और कितना नहीं आया। ये है अगला आपका, 120 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। 120 तक 1+2+3+4 ऐसे करते करते 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग, इनका क्या है वर्ग है, और तब इनका योगफल आपको ज्ञात करना है क्या होगा योगफल, ठीक है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का जो वर्गों का योग होता है, उसका जो योग होता है उसका सूत्र आपका रहता है, सूत्र बराबर आपका होता है n प्लस 1 और इनटू में 2n प्लस 1 और अपॉन में आपका 6। इस सूत्र से हम लोग इसको हल करते हैं। n क्या है, n होती है जो आखिरी संख्या जिसका वर्ग हुआ है, तो n बराबर कितना हो गया आपके बच्चों, 20 हो गया, तो यहाँ रखना 20 गुणा 20 में एक जोड़ेंगे 21 और गुणा 20 दूनी 40 और एक 41 बटे में 6 कर देंगे, 3 7 21, 3 2 6, 2 से 20 कटेगा 10 बार, गुणा कर देंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 1 0, तो 2840 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं 2870, 7 एकम 7 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 20। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 1 से 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। वही सूत्र लगेगा हमारा, n+1 2n+1 और अपॉन में 6। एन क्या है आपका 80, तो 80 गुणा 80 और 81 और गुणा 80 दुनी 160 और 1 161 बटे में 6 काट देंगे,
27 की 81, 3 दुनी 6, 2 से 80 कटेगा 40 बार, गुणा कर देंगे 40, 27 और 161 की, 40, 27 और 161, 40, 27, 161 कितना होगा बच्चों आपको, 40, 27, 161 की गुणा हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1,73,880, 1,73,880 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देख लीजिए, ये भी सेम टू सेम सवाल है, तो ये बच्चों आपको खुद करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट दूसरे सवाल करेंगे, जैसे कि आपका भागफल पर आधारित है और बिनों पर आधारित प्रश्न।